दोस्तों, अगर आप लोगों को एडवेंचर करना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन फिर भी आप डरते हैं और उस डर को निकालने के लिए आप इधर उधर वीडियो देख रहे हैं कि कैसे करें, क्या करना होगा, कैसे क्या होता है शुरू से लेकर अंत तक, तो दोस्तों आप लोग बहुत सही जगह पर, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ पैराग्लाइडिंग करने, पैराग्लाइडिंग जो कि हिमाचल प्रदेश में ही कर रहा हूँ, धर्मशाला में, जहाँ पे मैं स्टे किया था। और दोस्तों ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ी होने वाली, काफ़ी लंबी, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आप लोग को सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे क्या करेंगे और कैसे शुरू से लेकर अंत तक क्या चीज़ होता है बीच में और किस तरीके से करेंगे जिससे आप लोग सेफली सारा काम कर सकते हैं, अपने एडवेंचर को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप लोग को सारी जानकारी मिलती रहे, मिलते हैं पूरी वीडियो। तो दोस्तों हम लोग टेक ऑफ साइट पर आ चुके हैं और आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कई लोग फ्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, फ्लाई कर रहे हैं और हमारा भी नंबर आने वाला था लेकिन हम सबसे लास्ट में आए क्योंकि हमारे साथ दो कलीग्स आए थे, इनको पहले मतलब नंबर लग गया था इनका और हम लास्ट में आए थे इसलिए हमें लास्ट मिल रहा। तो ये जो मेरे पायलट हैं जो सामने आपको देख रहे हैं वीडियो में, तो ये आ रहे हैं, मुझे अब पूरा ये ड्रेस पहनाएंगे जो सूट होता है, उसके बाद हम लोग उड़ेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब तक आप वीडियो को पूरा देखते रहें। अब मैं फ्लाई करने के लिए तैयार हूं और ये लोग खुद ही एक गोप्रो कैमरा देते हैं जो कि स्टिक से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि देखिए वीडियो में दे रहे हैं ये हमें, और ये हेलमेट भी देंगे, सारा मतलब सारा सेफ्टी लोग प्रोवाइड कराते हैं। अब देख रहे होंगे आप वीडियो में कि जो कुछ लोग हमसे पहले आए थे उनको फ्लाई कराने की तैयारी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोसेस होता है लंबा, अगर हवा अच्छी चल रही है तभी लोग उड़ाते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पायलट होते हैं, पायलट ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, इनको लाइसेंस होता है, इनका लाइसेंस होता है पर्सनल। और मेरे ग्रुप का पहला फ्लाई होने जा रहा है, ये मेरी कलीग्स हैं और इनमें कलीग्स में से पहला जो फ्लाई होने जा रहा है, सामने आप देख पा रहे हो वीडियो में, अब ये जा रही है फ्लाई करने और इसके बाद अब दूसरे लोग का नंबर आएगा। और देखिए इनका पूरा पैराशूट जो ग्लाइडर तैयार हो चुका है, अब ये यहाँ से फ्लाई करेंगे हाइट पर से, तो आप देख पा रहे हो वीडियो में, और ये चली हवा में। अब बारी हमारी है, मतलब कि अब बारी मेरी आ चुकी थी, अब हम जाएंगे अपना पैराग्लाइडिंग करने और ये एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा होने वाला था, काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल होने वाला था क्योंकि इससे पहले मैं कभी आसमान में उड़ा नहीं था इस तरह से, और अब मैं उड़ने जा रहा हूँ तो आप लोग वीडियो में देखें पूरे। मेरे लिए तो वही गाना है, पंछी बन के उड़ता फिरूँ मस्त गगन में। और ये दो तीन बार हवा की दिक्कत हुई थी जिससे मेरा पैराशूट ऊपर हुआ फिर नीचे गिर गया था, इसलिए मुझे टाइम लग गया, और जो मेरे साथ के जितने लोग थे वो नीचे लैंड भी हो चुके थे जहाँ पे लैंडिंग पॉइंट था, और हम काफ़ी ज़्यादा हमारा लेट हो गया था, तो लोग फ़ोन भी कर रहे थे, बार बार कॉल आ रही थी कि क्या हुआ तुम्हारा, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन बस वही है ना कि मुझे ये लग रहा था जो लेट आएगा उसी के लिए एंट्री बेहतरीन होगी, मतलब कि जो देर आए दुरुस्त आए वाला सिस्टम होता है, तो मतलब बेहतरीन आएगा, मतलब एंट्री मेरी जब वहाँ होगी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब कभी भी पैराग्लाइडिंग आप करने जाएँ तो जो भी आपका पायलट इंस्ट्रक्शन देता है, जो भी कहता है आपको, प्रॉपर वही करना होगा, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा ना करें क्योंकि इस जगह पर रिस्की होता है, वो लोग इसीलिए कहते हैं कि जो हम कहेंगे वही करना होगा आपको, तो आपको जब हाथ डाउन करना होगा तो हाथ डाउन, जब वो कहेंगे हल्का रन करिए तो रन जरूर करिएगा। वैसे इस वीडियो में आप सुन नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा कैमरा तो ऑफ हो चुका जब मैं फ्लाई करने वाला था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब वो कहेंगे हल्का रन तो मतलब आपको 10 मीटर भी नहीं रन करना होता, रन करने के बाद जब आता है नीचे ढलान तभी आपको कूदना होता है, तो उसके बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी प्रोसेस होता है, अगर आप कभी डरेंगे नहीं, मतलब आपको डरना ही नहीं बिल्कुल इस पॉइंट पर, जब आपको पैराग्लाइडिंग करना है या कभी फ्लाई करने जा रहे हैं, अगर आप डिसअपॉइंट होंगे, अगर आप परेशान होंगे तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है, लेकिन पायलट्स जो होते हैं वेल ट्रेंड होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत कभी आज तक तो नहीं हुई है मेरे हिसाब से। आप मेरे हाथ को देख पा रहे होंगे जिसमें मैंने स्टिक पकड़ी है गोप्रो कैमरा के साथ, वो एकदम दबी हुई है, मतलब जो पीछे सीट है जिस पर बैठेंगे हम लोग, जो सूट के साथ मतलब पहनाया गया था उसमें मेरी हाथ दबी, मतलब ये एक प्रोसेस होता है, मतलब एक ड्रेस पहनने का तरीका होता है, जब सूट पहनाया जाएगा तो ऐसे ही, क्योंकि हाथ अगर आप ऊपर करेंगे तो फ्लाई करने में, टेक ऑफ करने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए ऐसा कराया जाता है। वैसे मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि टाइम लग रहा था और ईचिंग हो रही थी कई जगह से, लेकिन सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, अगर आपको एडवेंचर करना है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ों का सामना, क्योंकि अगर आप पहले दिक्कत
झेलेंगे तभी जाके आपको आगे एडवेंचर का मज़ा मिलने वाला होता है। तो प्रॉपर देखिए, अब मैं उड़ने जा रहा था लेकिन शायद ये भी कोशिश नाकामी होगी, क्योंकि हाँ देखिए नाकाम हो गई, क्योंकि ये पैराशूट ऐसा हो ही है, मतलब दो ही बार हुआ था, वो हवा जब चली थी तो हवा चल प्रॉपर चली नहीं, फिर गिर गई थी, हवा रुक गई थी, इसलिए जो दिक्कत हुई थी। लेकिन हम भी उड़ेंगे, आप लोग बस वीडियो को देखते रहें क्योंकि अपना टाइम आएगा। और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, क्योंकि अपना टाइम आ चुका है, अपना टाइम आ गया है, अब आप देख रहे होंगे वीडियो में बहुत चिंता, 6 मिनट का वीडियो था, 6 से 6.5 मिनट, मतलब हम लोग उड़े थे 15 से 20 मिनट तक, लेकिन ये 6 मिनट का ही वीडियो रिकॉर्ड हो पाया था, क्योंकि मैंने कैमरा ऑफ किया था, मैं उल्लू बन के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जब बाद में पता चला, उन्होंने देखा जो पायलट थे, उन्होंने तो ऑन किया कैमरा। अब ये 6 से 6.5 मिनट का वीडियो पूरा इन्जॉय करें। इतनी ज़्यादा हाइट पे उड़ने का मज़ा भाई, तो मैं तो ले रहा हूँ, आप भी लोग जाओ जरूर ये एडवेंचर करो, पैराग्लाइडिंग करो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग इसकी आवाज़ सुनो, इतनी ज़्यादा हाइट की आवाज़ की, हवा कितनी तेज़ चलता है, कितनी तेज़ आवाज़ है, अभी आप सुनिएगा। और जैसे जैसे स्टंट होगा, जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे आवाज़ चेंज होगी इसकी। तो ये था इसका आवाज़, और आपने देखा, और अभी जो स्टंट करेंगे उसमें तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बदल रहा था, और अभी जैसे हवा बदल रही थी आप देख रहे थे कितना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। और भाई उस समय अगर आप कुछ सेफ्टी ना लिए हो तो आपकी दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी, हेडक हो जाएगा, क्योंकि इतना हाइट पर जाने के बाद अगर आप सेफ्टी नहीं लेंगे तो आप ज़मीन को देखते ही डर जाएंगे, अगर आपको हाइट से डर लगता है तो। और भी कई चीज़ें होती हैं, लेकिन वो पूरी सेफ्टी के साथ आपको लेके जाते हैं पायलट। तो दोस्तों, मेरा अब लैंडिंग टाइम आ गया है और मैं उतरने जा रहा हूँ, लैंड होने जा रहा हूँ, और इतनी देर मज़ा कर लिया बहुत है दोस्तों, सच बता रहा हूँ। अगर आप लोग कभी आएँ तो ज़रूर इस एडवेंचर का मज़ा ले, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है हाइट में उड़ने का, हवा में रहने का, ऐसा पंछी का एकदम, मतलब आप जैसे पंछी होंगे वो वाली फील आएगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है, और ये आप देख सकते हैं मैं लैंड कर चुका हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप लोग नए नए अपडेट, नई नई जानकारी ट्रेन से जुड़ी हुई मिलती रहें, और मेरे नए नए ब्लॉग्स जो आते हैं मिलते रहें। अब एक पायलट के साथ फोटो होने के बाद एक ग्रुप फोटो हुआ, और यहीं पर वीडियो खत्म होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।